सभी खुश हैं ज्ञान सरोवर में, ठंडी हवाओं में, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस में। प्रश्न है आपसे कुछ, क्या आपको अपने मन को पावरफुल बनाने की जरूरत है? हाँ, क्यों? आप तो सब बहुत अच्छे एजुकेटेड लोग हैं। जरा आज की चर्चा हम डीपली करेंगे, मोटी नहीं। सोचें क्यों? इसलिए क्योंकि जीवन में बहुत कुछ बातें ऐसी आती हैं जो हम नहीं चाहते, उन्हें आराम से फेस कर लें, इसके लिए मन की शक्तियों की जरूरत है। जीवन में कभी निराशा का दौर आता है, कभी मनुष्य फेलियर हो जाता है, कभी उसको मनचाही सफलता नहीं मिलती, कभी उसका मार्ग कांटों से भरा हो जाता है। जरा भी निगेटिविटी ना आए, इसके लिए मन की शक्ति चाहिए। इसको ही मनोबल या विल पावर भी कहते हैं। संबंधों में आजकल जो संसार में बहुत बड़ी मारामारी है, मैं ये शब्द बोल रहा हूँ आज, संबंधों में कड़वाहट, ऐसे में हम अपने ईगो को डाउन करके थोड़ा झुक सकें, हम फ्लेक्सिबल रह सकें, इसके लिए मन की शक्ति की जरूरत है। मन की शक्ति सबको बहुत चाहिए। इंग्लिश या हिंदी चलेगा? ठीक है, तो चलो मैं इंग्लिश भी मिक्सअप कर दूंगा। मनुष्य को आज जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है मनुष्य, मेरे पास जो लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेकर, एक बात मन में आ गई, वो जाती नहीं, होल्डिंग नेचर। एक बार जो किसी के लिए एटीट्यूड बन गए, फॉर एवर वो चेंज नहीं होते। इससे जीवन की यात्रा डिफिकल्ट हो जाती है। Therefore, we need to empower our mind. तीन चीज़ों पे मैं थोड़ी चर्चा करूँगा, mind, intellect and brain. इन तीनों के बारे में संसार में बहुत कम नॉलेज है। डिफरेंस क्या है तीनों में? देखिए, आप लोग जिस फील्ड में रहते हैं मुझे बताते हैं आपके साथ ही कि ब्रेन वाइज हम बहुत थक जाते हैं, सच्ची बात है। अभी जो लोग घरों में रहते हैं और जिनको परिवार हैं, जब वो 10 घंटे या 12 घंटे काम करके घर लौटेंगे, उनके बच्चे भी हैं, उन्हें घर का काम भी कुछ करना है, तो उनका हाल बिगड़ जाता है। ऐसे में हमें मन की शक्तियों की जरूरत है, ताकि हम हर कर्म को एंजॉय कर सकें। बहुत जरूरी चीज है, हम हर कार्य में एक अपना सुंदर मार्ग निकाल ले एंजॉयमेंट का, हर कार्य को एंजॉय करें। अभी जो गीत बज रहा था उसमें देयर वाज वन ब्यूटीफुल लाइन, आई थिंक यू डिड नॉट नोटिस दैट, दैट वाज, हार कर भी जो हार न माने, जीत उसी की होती है। जीवन में बहुत सारी चीजें हराने वाली आती हैं मनुष्य को, हार भी होती है जीवन में, जीत भी होती है। आप देखते हैं क्रिकेट का खेल जो बड़ा प्रसिद्ध है, अच्छी अच्छी पार्टियां हार जाती है। अभी हमारी पार्टी भी हार गई ब्रिटेन में, लेकिन ये तो वो नहीं करेंगे ना, हार गए तो खेलेंगे ही नहीं, हटो तुम सब बेकार प्लेयर हो, बैट्समैन सारे खराब हैं, बॉलर कोई काम के नहीं, ये तो नहीं कहेंगे।
हर हार से हम कुछ शिक्षा लेकर अपने को इम्प्रूव करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो हार को अपना टीचर बना लें और जीवन में हार न माने, इसकी बहुत ज़रूरत है। तो तीन चीज़ें, माइंड, इंटेलेक्ट एंड ब्रेन। माइंड इज द पावर, पावर रिजाइड्स इन माइंड। ये बात आपको अच्छी तरह जाननी चाहिए। जब हम कहते हैं दिस मैन इज वेरी पावरफुल, इसका अर्थ है बॉडीली पावरफुल नहीं, माइंड वाइज ही इज वेरी पावरफुल। बुद्धि, इंटेलेक्ट, इट्स द पावर ऑफ विजडम। विजडम इज एक्यूमुलेटेड इनटू इंटेलेक्ट। और ब्रेन है उसका ग्रोस फॉर्म, जैसे आपका कंप्यूटर। इसके द्वारा माइंड और इंटेलेक्ट कार्य करते हैं, वे दोनों जैसे ऑपरेटर हैं, ऑपरेट करते हैं। माइंड के हर विचार की तरंगे ब्रेन में पहुंचती हैं, माइंड का हर विचार एक विजडम बनकर इंटेलेक्ट में समा जाता है। ये बड़ी सूक्ष्म बात है, बहुत इम्पोर्टेंट। हमें अपने विजडम को डिवाइन बनाना है। आज मनुष्य सोच रहा है ही इज वेरी वाइज, कि आज मनुष्य जितना वाइज है उतने पहले कभी नहीं था। आज ये जानता है, ये जानता है, ये जानता है। आपका आईटी का फील्ड तो सबसे आगे निकल गया भारत में भी, लेकिन क्या मनुष्य सचमुच वाइज है? व्हाट इज योर आंसर? एक पर्टिकुलर फील्ड में। लेकिन जीवन को कैसे जीना है, इसमें हमें पोलाइट होके इस यात्रा को ईगोलेस होकर बोल्डली कैसे आगे चलाना है, ये विजडम बहुत कम रह गई है। ईगो बढ़ गया है, डिवाइन विजडम बिल्कुल डिसअपियर हो गई है। हम सभी को पहले अपने अंदर डिवाइन विजडम भरनी है, क्योंकि हमारा इंटेलेक्ट ही हमारे माइंड को कंट्रोल करता है। यहाँ आप देख रहे होंगे जो कुछ आपको यहाँ जानने को मिल रहा है, इट इज नोन एज डिवाइन विजडम। इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे, इंटेलेक्ट पे प्रेशर नहीं आएगा ये सीख लेंगे, हमारा ब्रेन भी एफिशिएंट रहे ये सीख लेंगे, हमें ब्रेन को एनर्जी कैसे देनी है ये सीख लेंगे। अब आ जाते हैं माइंड पर। माइंड जिसमें शक्ति रहती है, क्लियर है ना आपको? शक्ति, पावर, माइट, इट रिजाइड्स इन माइंड। हमारे हर थॉट में एक एनर्जी है, हमारा हर थॉट एनर्जी जनरेट करता है। अगर हम निगेटिव हैं तो निगेटिव एनर्जी जनरेट होती है, और सबसे पहले वो कहाँ जाती है? आपको आज नई विजडम जानने को मिलेगी। आत्मा यहाँ है, आज सवेरे आत्मा का लेसन सभी का हुआ। आत्मा में मन, बुद्धि, संस्कार, आत्मा का निवास यहाँ अंदर ब्रेन में। आत्मा जो कुछ सोचती है, यानी हम जो कुछ सोचते हैं, उससे एक एनर्जी जनरेट होती है जो सबसे पहले ब्रेन में पहुँचती है। इसलिए आप देख सकते हैं रोज सबको, अपने को भी निगेटिव थॉट आ गया, चेहरे के एक्सप्रेशंस, बहुत खुशी के थॉट्स आ गए, एकदम मन आनंदित हो गया, चेहरा खिला हुआ। तो पहले वो एनर्जी ब्रेन को जाती है, इसलिए हमें पहली चीज सीखनी है कि हमें अपने ब्रेन को निगेटिव एनर्जी सप्लाई नहीं करनी है। हम सप्लायर हैं, हमारे हाथ में है, हम अपने ब्रेन को एनर्जेटिकल बनाएं या बहुत वीक करते जाएं। आप सभी ने सुना होगा, यहाँ मैंने तो अभी सुना, एक हफ्ता पहले मैं हैदराबाद में था तो दो अच्छे प्रोग्राम हुए, एक साइंटिस्ट का जिसमें 70 साइंटिस्ट आए,
दस तो डायरेक्टर ही थे, वो अपने साथ अपने साथियों को लाए थे, कोई पांच को, कोई आठ को, कोई दस को। दूसरा प्रोग्राम साइकोलॉजिस्ट का हुआ, 50 आए, प्रोफेसर्स थे, काउंसलिंग करने वाले थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, मुझे बताया। मैं तो 2015 से ये बात कह रहा हूँ, उन्होंने कहा अब ये बात सर्टिफाइड हो गई और बहुत बड़ी हो गई, और आप सब जो बुद्धिमान हैं इसमें सावधान भी रहना है और लोगों को मदद भी करनी है। वो क्या है कि WHO ने डिक्लेयर कर दिया है कि 2020 से संसार में सबसे बड़ी महामारी होगा डिप्रेशन। मुझे तो इस बात का 2015 से पता चल गया था, आभास हो गया था कि डिप्रेशन संसार में बढ़ता जा रहा है, मानसिक रोग जिनके भिन्न भिन्न नाम साइकेट्रिक डिपार्टमेंट वालों ने रख दिए हैं वो बढ़ रहे हैं। इनसे बचने के लिए मैं आपको दो सुंदर चीज़ें कहना चाहता हूँ, बी लाइट एंड बी हैप्पी, टेक इट इन योर ओन हैंड। खुश रहना हमारी अपनी नेचर है, किसी दूसरे पर हमारी खुशी डिपेंडेंट नहीं होगी। कोई हमें जब चाहे खुश कर दे, जब चाहे हमारी खुशी को छीन ले, हमें इससे बियॉन्ड जाना है। हम ऐसे संकल्प क्रिएट करेंगे कि हम स्वयं खुश रह सकें, ये कला आपको सीखनी है। और बहुत लाइट, लाइट माना इजी गोइंग नेचर बना दें सब अपनी। तब आपको पता चलेगा कि अगर आप 12 घंटे भी काम कर रहे हैं तो आप लाइट हैं, कोई थकान नहीं है आपको, बिल्कुल हल्के हैं। आपको ऐसा भी लगेगा कि आपने मानो कुछ नहीं किया। खुश रहना, छोटी बातों में इरिटेट हो जाना, छोटी बातों में परेशान हो जाना, छोटी बातों में चिंता करना, अपने फ्यूचर को इनसिक्योर फील करना, इससे बियॉन्ड जाना है। बातें बड़ी हैं थोड़ी, सभी बातें बड़ी हैं। बहुतों को अपना फ्यूचर इनसिक्योर फील होता है। अगर आप राजयोग सीखेंगे तो आपको कुछ बहुत सुंदर चीज़ें मिल जाएंगी, लाइट फॉर लाइफ। आपका चित्त एनलाइटन्ड हो जाएगा और तब आपको पता चलेगा हमें कहीं भी इनसिक्योर फील करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा फ्यूचर ब्राइट है। मेरी बुद्धि में बहुत सारी बातें आ रही हैं आपको कहने के लिए। हमारा फ्यूचर ब्राइट है, एक बहुत अच्छी बात आप जान लें। आज ये जो संसार का खेल चल रहा है ये दो चीजों से मिलकर चल रहा है। एक है प्रकृति जो हमारे चारों ओर है, हवा है, उसके बिना हम जी नहीं सकते, पानी है, हीट है, आकाश है, धरती है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स जो केमिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं, स्पिरिचुअलिज्म में इन्हें पांच तत्व कहते हैं। ये प्रकृति और पुरुष यानी हम आत्मा दोनों से मिलकर ये खेल चल रहा है। अभी इसकी सीक्रेसी को आप जान ले दो मिनट में केवल, ये बहुत बड़ा रहस्य है इस क्रिएशन का, सीक्रेट, बिगेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड। इस पे आप चिंतन करेंगे और काम करेंगे, मैं दो मिनट ले रहा हूँ केवल। जो कुछ हम सोचते हैं उसकी वेव्स, उसके वाइब्रेशंस फैलेंगे, पहले ब्रेन में जाएंगे फिर बाहर फैलेंगे, प्रकृति में पहुँच रहे हैं। हम मन के वाइब्रेशन से प्रकृति से निरंतर कनेक्ट हुए हैं। हमारे वाइब्रेशंस और इस नेचर के बीच रिएक्शन होता रहता है, और जो हमारे संकल्प हैं प्रकृति वही क्रिएट करके हमें वापस कर देती है, डबल ट्रिपल करके। बी श्योर, बी कॉन्फिडेंट। अगर कोई व्यक्ति
व्यक्ति बार बार ये सोच रहा है, अब एग्जाम्पल ले लें, कहीं मेरी नौकरी ना छूट जाए, कॉमन थॉट है मनुष्य का। बहुत युवक सोचते हैं कंपनियां बंद हो जाती हैं, कहीं मेरी नौकरी ना छूट जाए, फिर मेरा क्या होगा। बार बार वो ये संकल्प करता है, अब सोचो क्या होगा। ये तरंगें, ये वाइब्रेशंस प्रकृति में जा रही हैं और ये चीज़ें वापस आ रही हैं, और वो ये बैड सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि उसकी नौकरी छूटे। तो ही हिमसेल्फ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। दो मैसेज मुझे कल और परसों में मिले ईमेल से, एक युवक जो बार बार एक ही बात सोच रहा है, मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। देखो क्या क्या सोचते हैं लोग। उसकी बहन बात कर रही थी, अब उसको ये बार बार थॉट आ रहा है, अनकंट्रोल थॉट है, ही कैन नॉट कंट्रोल। अब क्या हो रहा है, उसका ये थॉट, वो निगेटिव एनर्जी ब्रेन में फैला रहा है और उसके लिए वही निगेटिव सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। इसलिए ब्रिंग ए चेंज इनटू योर थॉट्स एंड योर फ्यूचर विल चेंज। अब क्या सोचेंगे भविष्य के लिए, बोलो, सुंदर विचार बोलो, क्या सोचेंगे अपने भविष्य के लिए। अब जैसा आप अपने भविष्य को देखना चाहते हैं वैसे ही थॉट्स क्रिएट करें। मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मैं बहुत भाग्यवान हूं, मुझे सब कुछ मिलता रहेगा, एक गेट बंद होगा दूसरा खुल जाएगा, एक जॉब जाएगी उसे अच्छी मिलेगी, जाएगी नहीं पहले तो फिर भी मैं कहा कि घबराना नहीं है, एक चली गई दूसरी तैयार है। ये इस क्रिएशन का लॉ है, कोई एक गेट आपका बंद कर दे दूसरा खुला हुआ है पहले ही, उसके ढूंढ लो। आप निराश होते हैं, अंधकार फील करते हैं, ढूंढते ही नहीं, बहुत होपलेस फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो वो दूसरा गेट दिखाई नहीं देता। इसलिए बार बार इनसिक्योर फीलिंग जॉब के लिए, अपनी लाइफ के लिए नहीं होनी चाहिए। जिसके अंदर भी रहती है आज ही छोड़ दें, अभी। सबके पास तो नहीं रहती होगी, पर ये ह्यूमन वीकनेस है, वो सोचता है जरूर कि कहीं ऐसा हो जाए तो क्या होगा, कहीं ऐसा हो जाए तो क्या होगा। और इसमें मनुष्य अपने को बहुत बुद्धिमान भी मानता है कि सोचना ही चाहिए ना पहले से, बाद में सोचें उससे क्या फायदा होगा, तैयारी रखनी चाहिए। आप वही तैयारी करो, मेक योर माइंड वेरी पॉजिटिव एंड वेरी पावरफुल एंड यू विल फाइंड योर फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। पसंद है कुछ भी, केवल इनसिक्योरिटी की बात नहीं, मेरे बच्चे को कहीं कुछ हो ना जाए, निगेटिव थिंकिंग की आदत, बीमार हो गए अब लगता है ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। देखो जैसे डायबिटीज हो जाती है ना किसी को, आजकल डॉक्टर क्या कह देते हैं, ये डॉक्टरों की बहुत बड़ी मिस्टेक है कि अब तो तुम डायबिटिक हो ना फॉर एवर, इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। भाई तुम क्या कर रहे हो फिर, इतनी बड़ी मेडिकल साइंस दुनिया की बिलियंस एंड बिलियंस रुपए खर्च हो रहे हैं, तुम कर क्या रहे हो। स्पिरिचुअलिज्म में इसके तरीके हैं, पैनक्रियाज है यहाँ दोनों, वो डल हो गए हैं इसलिए इंसुलिन सिक्रेशन नहीं हो रहा है, उसको अगर एक्टिवेट कर दिया जाए तो ठीक हो सकता है, कईयों के हो गए हैं। तो हम अपने थॉट्स को बहुत पॉजिटिव और पावरफुल करेंगे। अब मैं हाउ टू एम्पावर इस पर आ जाता हूँ। ये सब करने के लिए भी हमें पावर की जरूरत होती है। हमारे मन में इन ए नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड वी क्रिएट 25 थॉट्स पर मिनट। जब कोई टेंशन हो जाती है ये स्पीड बढ़ जाती है, 25 से 40 तक पहुंच जाती है।
और साइकोलॉजिस्ट ने जो सर्वे किया, किसी मनुष्य के मन में एक दिन में 40,000 थॉट, किसी के में 50,000, किसी के में 60,000 थॉट्स भी चलते हैं। तो सबको ये मालूम होना चाहिए, मन की स्पीड जितनी बढ़ गई, मन की शक्तियाँ उतनी ही यूज होने लगी और हमारा मन वीक वीक वीकर होता जाएगा। इसलिए हमें ये कला सीखनी है कि इस मन की स्पीड को या तो 25 तक रखें या स्लो डाउन करें, 20, 15, 10 तक भी लाई जा सकती है। हमारे यहाँ ही कुछ अच्छे योग अभ्यास करने वाले हैं जिनकी स्पीड ऑफ माइंड पर मिनट इज 10 to 12 थॉट्स, यानी 10,000, 12,000 थॉट्स एवरी डे। इससे हम बहुत एनर्जेटिक हो जाएंगे, हमारा ब्रेन भी बहुत एफिशिएंट हो जाएगा और इस ब्रेन में बहुत विजडम है। जैसे इंटेलेक्ट में विजडम है, उसका ग्रोथ फॉर्म, ये ब्रेन, इसमें बहुत टैलेंट्स हैं, बहुत बड़ा ज्ञान भरा हुआ है, बहुत क्वालिटीज हैं। अगर मन की स्पीड स्लो हो जाए तो वो सब चीज़ें एक्टिव होने लगेंगी, इमर्ज होने लगेंगी और आप ये अनुभव करेंगे। आप चाहे तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक दिन करके देख लें, अगर आप राजयोग सीख लें आपको कला आ जाएगी माइंड को स्लो डाउन रखने की। आप जो काम 2 घंटे में करते हैं वो 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। मैंने इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और कराए हैं। इफ माइंड इज स्लो, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेन इज वेरी हाई। करके देखेंगे आप, योग आप यहाँ सीख रहे हैं, राजयोग जीवन जीने की कला है। दूसरी चीज, हमें अपने मन में पावरफुल थॉट्स क्रिएट करने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज। क्या आपको पता है पावरफुल थॉट्स क्या होते हैं? स्वामी विवेकानंद के लिए प्रसिद्ध है कि वो बहुत पावरफुल थॉट रखते थे। उनकी एक सेइंग प्रसिद्ध है कि जब तक तुम्हें डेस्टिनेशन न मिल जाए रुकना नहीं है, जब तक तुम मंजिल पर नहीं पहुंच जाओ बार बार पीछे मुड़कर नहीं देखना, पीछे मुड़कर देखने वाले कभी मंजिल को नहीं देख सकते, उनके मार्ग में ज़्यादा बाधाएं आती हैं। ये पावरफुल थॉट्स। सोचें आप, मेरी विजय निश्चित है, ये पावरफुल थॉट। मुझे जीवन में कोई हरा नहीं सकता, ये पावरफुल थॉट। मुझे ये टारगेट मिलेगा ही, ये पावरफुल थॉट। मैं स्वयं भी बहुत पावरफुल हूँ। देखिए, अब तीसरी चीज पर मैं ले जाता हूँ जो पावरफुल थॉट से जुड़ेगी। तो जितने पावरफुल थॉट हम क्रिएट करेंगे उतनी पावरफुल एनर्जी हमारे ब्रेन को जाएगी। और जो व्यक्ति ढीला होता है, I cannot do this, it's very difficult for me, लेकिन those who are powerful, this world difficult or impossible is never lies in their dictionary. है ही नहीं, nothing is impossible for a wise person, for a powerful person. अब एक बहुत सुंदर awareness जो यहां से आपको मिल रही है, आप सब जरूर बिलीव करते ही होंगे दैट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ ऑल माइटी गॉड। डू यू बिलीव इट? अब देखिए, अब हमें अपनी शक्तियों को पहचानना है। टाइगर का बच्चा क्या होगा, बोलो जरा। और ऑल माइटी के बच्चे होंगे या नहीं? बस यही तो भूल गया संसार, छोटी सी बात के हम भगवान के बच्चे हैं। मंदिरों में जाके कह रहे हैं तुम परम पिता हो, ओ गॉड फादर, तुम हमारे माता पिता हो, हमें मदद करो, ये करो वो करो मांग रहे हैं, पर ये भूल गए व्हेन ही इज ऑल माइटी वी आर मोस्ट पावरफुल पर्सन्स इन द वर्ल्ड। अब आप इसे स्वीकार कर लें,
वी आर नॉट वीक। करेंगे स्वीकार? बस जोड़ लें अपने को भगवान के आगे, हाथ जोड़ने वाले हम नहीं, मांगने वाले नहीं, ओ गॉड प्लीज गिव मी दिस, हैव मर्सी अपॉन मी, ये कुछ नहीं। मांगने वाले को क्या कहते हैं आप, और कितना देते हैं? आप भी जेब में ढूंढेंगे, एक का ही सिक्का हो तो उससे ही काम चल जाए। आजकल भिखारी एक रुपए से नहीं मानते, फेंक देंगे आपके ऊपर कम से कम 10। कोई तो कहते हैं 50-100 तो दो बाबूजी, मांग ही बढ़ गई है उनकी। हम भगवान से मांग रहे हैं तो वी बिकेम रॉयल बेगर्स, और जब ही इज आवर फादर, जोड़ो अपने को उससे, वो मेरा परम पिता है, इट मीन्स वो मेरा है। जरा रियलाइज करो इस सुंदर विचार को, ही बिलोंग्स टू मी, आई बिलोंग टू हिम, वो मेरा है। और जब वो मेरा परम पिता है तो उसका सब कुछ भी, बोलो जरा, हो गया ना, बस हो गया, जोड़ दो अपने को उससे, हो गया सब खेल पूरा। ही इज ऑल माइटी, उसकी सारी माइट मेरे लिए है। आपके पास जो कुछ है आपके बच्चों का ही तो है, बच्चों को सोचना थोड़ा ही होता है, इस अलमारी में जो चीज रखी वो हमारी है या नहीं, या वो बहन की है मेरे, सब मेरा है, होता है ना, नेचुरल है बहुत। एक राजकुमार हो उसे सोचना नहीं पड़ता इस राज्य में मेरा क्या क्या है, मेरे भाई का क्या क्या है, मेरे फादर का क्या क्या है, सब हमारा है। तो ये जो सुंदर बात है, बहुत सिंपल इजी है, कि माय फादर इज ऑलमाइटी, सो मैं बहुत पावरफुल हूँ। इसके लिए एक शब्द है, ही इज ऑलमाइटी एंड आई एम मास्टर ऑलमाइटी। क्या है ये? बहुत सुंदर चीज है। मैंने इसके हजारों एक्सपेरिमेंट कराए हैं लोगों से, जो अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, एक ही विचार बार बार चल रहा है, उनको मैंने एडवाइज किया, सवेरे उठो 108 बार लिखना, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। केवल लिखना साइलेंटली, ब्रेन को एनर्जी जाने लगी। 108 बार लिखने में 15-20 मिनट लग गए। पहले दिन ब्रेन बहुत पावरफुल एफिशिएंट फील होने लगा और विचार रुकने लगे, विचार स्लो हो गए। उसे लगा कि अब इसको कंट्रोल किया जा सकता है। देखो मेरे पास केसी जाए, कुछ बहनों की समस्या होती है ये, भाइयों का केस तो एक ही बार आया है, कि वो बहुत ज़्यादा नहाते हैं, जब तक टंकी खाली ना कर दें नहाते ही रहेंगे। क्यों नहा रहे पता नहीं, नहा रहे हैं। मैंने एक माता से पूछा, तुम्हें ख्याल नहीं होता, तुम्हें घर का काम भी करना है और बच्चों को भी तो नहाना है, तुम सारी टंकी खाली कराती हो। कहा मैं भी जानती हूँ पर पता नहीं क्यों। तब मुझे एक बात ख्याल आई कि इन्हें अवेयरनेस तो है पर कंट्रोलिंग पावर नहीं है। तब मैंने उनसे ये प्रैक्टिस कराई कि व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, इन फर्स्ट 15 मिनट स्टार्ट राइटिंग आई एम मास्टर ऑलमाइटी। और ये बहुत ही सुंदर बात थी कि 5-7 दिन में उनका छूट गया। तो मुझे भी एक नई लाइट मिली, नई विजडम मिली, कि इस चीज से इन बीमारियों को भी रोका जा सकता है। 2-4 केस ऐसे हैं जो सारा दिन साबुन से हाथ धोते हैं, झूठी थाली उठा दी, गंदा हो गया हाथ, चलो धोते हैं साबुन से। किसी का कपड़ा टच कर दिया, हाथ गंदा, धो। एक साबुन रोज खर्च कर रहे हैं, चलो खर्च भी कर लें लेकिन स्किन डिजीज हो रही है। तो मैंने ये प्रयोग कराया, ठीक हो गया। एक युवक का भी आया, 20 साल से कम आयु, उसको भी ये आदत पड़ गई। उसको बहुत तकलीफ हो रही थी, पढ़ने में डिस्टर्बेंस, स्किन डिजीज हो रही, मैंने उसको ये लिखा है, 5-7 दिन में ठीक हो गया। तो बहुत बड़ी पावर है, आप सबको याद रहे, सवेरे जब हम उठते हैं, कल भी मुझे थोड़ा टाइम दिया गया है, मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा,
जब सवेरे हम उठते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड 10 मिनट के लिए एक्टिव होता है। बहुत ही सुंदर बात है ये, आप 5-7 मिनट में ये सीख लेंगे, फिर हम योग अभ्यास करेंगे आज। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है जैसे ही हम उठे हैं, लेकिन ये ध्यान देना है जो बहुत लेट उठते हैं उनको इसमें दिक्कत होगी। क्यों? सब लोग उठ गए हैं, वो भी उठ गए हैं जो बहुत निगेटिव हैं, उनके निगेटिव वाइब्रेशंस चारों ओर फैल गए हैं, तब आपको मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप जल्दी उठ जाएं, जैसे यहाँ उठ रहे होंगे आप सब, उठते हैं या ठंडी हवा में नींद भी गहरी आती है, दोनों काम होंगे ना। ठंडी हवा का बाहर निकल के सुख भी बहुत बड़ा है, लेकिन नींद का सुख भी तो कम नहीं है ना। सवेरे सवेरे अच्छी आती है, लेकिन कल तो उठ जाना, हम आपको यहाँ योग अभ्यास कराने आएंगे 4:30। तो देखो, मान लो आप, मैं 4 बजे का उदाहरण देता हूँ, 4 बजे उठे हैं, लोग सोए हुए हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव है, जग गया है। अब आप जो विचार देंगे स्वयं को, वो सबकॉन्शियस माइंड रिसीव कर लेगा और वही होगा। तो अगर आप सवेरे उठकर 7 बार प्रैक्टिस कर लें, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं, मैं विद ट्रू हार्ट मैं हूं, डबल माइंड नहीं हूं या नहीं हूं ये नहीं, मैं हूं, तो आपकी सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी। मैंने कितने केसेज कराए अभी, मैं तो केवल राय देता हूँ, ऊपर की शक्तियाँ काम करती हैं। अभी मैं एक जगह राजस्थान में गया था, पास ही है, 3 घंटे पर, एक बहन मेरे पास आई, मेरा पति व्यसनों में चला गया, इनका सोने का काम, पति व्यसनों में चला गया, अफीम खाने लगा, 50 लाख कर्ज हो गया, कम नहीं है 50 लाख। बेचारी को एक लड़की, पति पत्नी, आयु ज़्यादा नहीं होगी, मुश्किल से 35 साल। मेरे से फ़ोन किया होगा, मुझे तो याद नहीं रहता, मैं उसको बताई ये विधि सबकॉन्शियस माइंड की, तो 3-4 दिन पहले की बात है, मुझे बता रही थी कि सारा कर्ज 2 साल में उतार दिया मैंने, मैं बहुत एक्टिव हो गई, पति तो कुछ नहीं करता, अफीम खा के पड़ा रहता है। मुझे बहुत खुशी हुई ये बात सुन के कि किसी का जीवन सुखद हो गया। तो क्या बताया था हमने उसको, सवेरे उठते ही याद करना, मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूं, मैं बहुत धनवान हूं। अब ये संकल्प करना थोड़ा भारी है, कर्ज पहले ही है और मैं बहुत धनवान हूं, मैंने उसको सिखा दिया तुम्हें यही विचार करना है, मैं कर्जदार हूं ये नहीं, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं कर्ज से मुक्त हूँ। उठते ही उसने रोज 5 बार किया, भाग्य खुलने लगा, पैसा आने लगा, कर्ज जाने लगा। ये टेक्निक है, ये फिलॉसफी है सबकॉन्शियस माइंड की। जो कुछ आप अचीव करना चाहते हैं, सवेरे उठते पहले 3 मिनट 5 मिनट में वो थॉट्स कर लेना 4-5 बार, सबकॉन्शियस माइंड उसको कमांड के रूप में, हमारा कमांड, उसने स्वीकार कर लिया। बस जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड हमारे कमांड को स्वीकार करेगा, वही होगा, फिर प्रकृति उसको मैटेरियलाइज करेगी। जो मैंने आपको सिद्धांत बताया, जो थॉट्स हम फैलाते हैं, प्रकृति में रिएक्शन होता है, मैटेरियलाइज कर देती है प्रकृति उसको। तो इस तरह हम अपने को बहुत पावरफुल बनाएंगे। और मैं आपको योग अभ्यास की ओर चलने से पहले एक चीज और बता दूं, हमारे जो परमपिता हैं वो ज्योति स्वरूप हैं, निराकार हैं, ब्रह्मलोक के वासी हैं, बियॉन्ड स्काई, बहुत दूर। उससे हम कल बुद्धि योग लगाएंगे और एक छोटा सा एग्जाम्पल आप ले लें, अब भी हम करेंगे वो। अब सूरज अस्त हो गया है, आप यहाँ से सूरज को विजुअलाइज करें जरा, फॉर 10 सेकेंड्स कीजिए। अभी इधर पश्चिम में अस्त
हो गया है, हम उसे विजुअलाइज कर रहे हैं। जैसे ही हमने उसको विजुअलाइज किया, वी आर कनेक्टेड टू हिम, हमारा कनेक्शन हो गया उससे। इसको कहते हैं एनर्जेटिक कॉन्टैक्ट, और उसकी एनर्जी हमें, हमारी एनर्जी उसको आने जाने लगी। ये एक सिंपल फिलोसोफी काम कर रही है संसार में। आप कभी किसी को याद करते हैं, उससे आप कनेक्ट हो जाते हैं, आपके वाइब्रेशंस उसको जाने लगते हैं। ऐसे ही हम सुप्रीम फादर को विजुअलाइज करेंगे, पॉइंट ऑफ एनर्जी, तो उससे हम कनेक्ट हो जाएंगे और उसके वाइब्रेशंस हमको आने लगेंगे, हमारी शक्तियाँ बढ़ने लगेंगी। हम उसको शांति के रूप से, संकल्प से याद करेंगे, शांति के वाइब्रेशंस आएंगे। ऑलमाइटी है वो इस रूप से याद करेंगे, माइट आने लगेगी हमें, हमारा मन पावरफुल होने लगेगा। बस ध्यान ये रखना है कि माइंड में अगर वेस्ट थिंकिंग बहुत है, माइंड में अगर निगेटिव थिंकिंग बहुत है, तो हमारा मन कमजोर होता रहता है। निगेटिव चीज़ों का इफेक्ट बहुत बुरा हमारे ब्रेन पर, हमारी लाइफ पर पड़ता है। जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, जिस घर में आप रहते हैं, आपके मन के वाइब्रेशंस का गहरा इफेक्ट वहाँ भी पड़ता है, आपके कंप्यूटर पर भी पड़ता है। तो हम इस चीज से बचेंगे कि वेस्ट हम ना सोचें। दो बातें छोटी सी उसके लिए, किसी किसी को छोटी बात में भी ज़्यादा सोचने की आदत बन जाती है, सेंसिटिव माइंड। अगर आपका सेंसिटिव माइंड हो गया है, तो रोज़ सवेरे उठते ही 421 टाइम्स आप चाहे लिख लें, चाहे रिपीट कर लें, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, ऑलमाइटी की संतान, मैं बहुत पावरफुल हूँ, अपने को रिमाइंड कराने लगो मैं हूँ, तो आपकी सेंसिटिव नेचर या बहुत ज़्यादा इमोशनल नेचर या इरिटेट होने की नेचर तेजी से आपको लोप होती हुई नजर आएगी। इसलिए न निगेटिव, क्योंकि निगेटिव थॉट्स निगेटिविटी क्रिएट करेंगे। ये बात जानते हुए हमें निगेटिव नहीं होना है। आपके बच्चे को कुछ हो गया है, बीमारी हो गई है, आप एक ही संकल्प करो, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। दवाइयों के साथ आपके मन के ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस उसको जल्दी ठीक कर देंगे। कहीं भी अगर निगेटिव वाइब्रेशंस काम कर रहे हैं, एक डॉक्टर ने मुझे कल परसों ही बताया, एक पेशेंट उनके पास, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट चल रही लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा है। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ठीक नहीं हो पा रहा है, मैंने उसे बुलाया और उससे बात की, तुम निगेटिव तो नहीं सोचते? उसने बताया, मैं बहुत सोचता हूँ कहीं मैं मर ना जाऊँ, पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा, पैसा भी नहीं है, ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो देखिए, मेडिसिन भी पूरा काम नहीं कर रही है उसके नेगेटिव वाइब्रेशंस के कारण, क्योंकि वो ब्रेन को इफेक्ट कर रहे हैं। इसने उसको अच्छी तरह से ट्रेंड कर दिया, तुम्हें क्या सोचना है, फटाफट काम करने लगी दवाइयाँ, वो ठीक हो गया। तो हम इन दो बातों पर ध्यान रखेंगे। बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। बिल्कुल इसको अपने जीवन का एक सिद्धांत बना लें आप। बातें कोई बड़ी नहीं है, हम सोचते ज़्यादा हैं तो बड़ी हो जाती है, हम वीक हो जाते हैं। और दूसरी चीज, होल्डिंग नेचर नहीं, माइंड में बहुत कुछ होल्ड करेंगे तो मेमोरी कार्ड फुल हो जाएगा या नहीं, आपका सब्जेक्ट है, हो जाएगा या नहीं, अच्छी चीजों के लिए बचेगी जगह? इसलिए होल्डिंग नेचर नहीं, फटाफट रिलीज करते रहो, डिलीट करते रहो। आज का इफेक्ट
कल नहीं चलने देना है, ऐसी विजडम आपको यहाँ से लेके जानी है, तो सोएंगे भी मुस्कुराते हुए और उठेंगे भी मुस्कुराते हुए, तो जीवन मुस्कुराता रहेगा, भाग्य मुस्कुराता रहेगा। पसंद है? डोंट टेक एवरीथिंग सीरियसली। सीरियसली लेने वाली बात बहुत थोड़ी होती है जीवन में, हम हर बात को सीरियस बना देते हैं। नहीं, लाइफ इज ए गेम, लाइफ इज एन एन्जॉयमेंट, ये भी भूल जाओ लाइफ इज ए स्ट्रगल। नहीं, लाइफ इज ए गेम, आई हैव टू एन्जॉय इट। इसमें गेम में हार जीत सुख दुख सब होता है, नथिंग, आई हैव टू एन्जॉय इट। सब चीज़ें पार हो जाएंगी, अब हम चलेंगे 20 मिनट बहुत अच्छा योग अभ्यास करेंगे। मैं आपको थॉट्स दूंगा, रेड लाइट प्लीज, मैं आपको थॉट्स दूंगा और आप बुद्धि से विजुअलाइज करेंगे और माइंड से वो थॉट क्रिएट करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए गुड एक्सपीरियंस करेंगे। आपको 20 मिनट में अनुभव होगा, माइंड हैज बिकम फुल्ली स्टेबल। हमारी इस योग की, मेडिटेशन की प्रैक्टिस से चारों ओर पावरफुल वाइब्रेशंस फैलते हैं। कंसंट्रेट करें दोनों भ्रकुटियों के बीच में, विजुअलाइज करें, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, I am a point of energy, मैं चैतन्य हूँ, immortal हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, मुझसे चारों ओर एनर्जी फैल रही है। विजुअलाइज योरसेल्फ, I am peaceful, accept करें, मैं peaceful हूँ, peace is my nature, ये body मेरा वस्त्र है, मैं आत्मा इसकी मालिक हूं, मैं प्रेम से भरपूर हूँ, इस संसार के हर प्राणी के लिए, संपूर्ण नेचर के लिए, मेरे मन में निर्मल प्यार है। बहुत गुड फीलिंग देंगे अपने को, I love everyone, all, including nature. मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ।
Originally, I am supremely pure soul. मैं पवित्र आत्मा हूँ। मुझसे चारों ओर प्योर वाइब्रेशंस फैल रहे हैं इन गोल्डन कलर। एंजॉय करें, मुझसे गोल्डन वाइब्रेशंस दूर दूर तक जा रहे हैं। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ एनर्जी, बहुत शक्तिशाली हूँ। आई एम पावरफुल, आई एम मास्टर ऑलमाइटी। मुझसे शक्तियों की रेड वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं और मेरे चारों ओर एक पावरफुल ऑरा क्रिएट हो गया है। मैं इस पावरफुल ऑरा के बीच में हूँ। मैं पावरफुल हूँ। अपनी बुद्धि के नेत्र से ऊपर की ओर विजुअलाइज करें। हमारे ऊपर नीला आकाश, उसके और ऊपर देखें, बहुत ऊपर, ये सुप्रीम अबोर्ड, स्वीट साइलेंस होम, ये निर्वाण धाम, ये मोक्ष धाम, इस संसार में आने से पहले हम यहीं थे। यहाँ चारों ओर अनंत शांति है। फील दिस साइलेंस। ये मेरा घर है। यही सबसे ऊपर सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, ए पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसे हम निराकार परमात्मा कहते हैं, वो स्थित है। ट्राई टू विजुअलाइज हिम। पॉइंट ऑफ एनर्जी, उससे बहुत बहुत एनर्जी
चारों ओर फैल रही है। वो सुप्रीम सोल इस संसार का क्रिएटर ऑलमाइटी ओसन ऑफ प्योरिटी एंड पीस उनके ये वाइब्रेशंस नीचे आ रहे हैं फाउंटेन की तरह मुझ पर पड़ रहे हैं। फील करें गॉड्स एनर्जीज कमिंग डाउन एंटरिंग मी हम गॉड्स वाइब्रेशंस को रिसीव कर रहे हैं। वो मेरे परम पिता हैं, वो मेरे हैं। वो ज्ञान के सागर हैं, उनके ज्ञान से मैं भी एनलाइटेंड हूं। वे शांति के सागर हैं, उनकी शांति के वाइब्रेशंस नीचे आ रहे हैं, मुझ में समा रहे हैं। मेरा चित्त शांत हो रहा है। ये शांति के वाइब्रेशंस अब मुझसे चारों ओर फैल रहे हैं। एक सुंदर संकल्प कर दें इन शांति के वाइब्रेशंस से सभी के चित्त शांत हो जाए। सभी के मन में जो अग्नि पैदा हो गई है चिंताओं की परेशानियों की वो सब शीतल हो जाए। मेरे परमपिता सर्वशक्तिवान
जैसे प्रभात में जब सूर्य उदय होने को होता है तो आकाश उसकी लालिमा से चमक उठता है, ऐसे ही ऊपर ब्रह्मलोक में सर्वशक्तिवान की किरणों से सारा ब्रह्मांड चमक रहा है। उनकी शक्तियां दूर दूर तक फैल रही हैं। उनकी शक्तियों की किरणें नीचे मुझ पर पड़ रही हैं। उनकी शक्तियां मुझ में समा रही हैं। वे मेरे परम पिता हैं, उन्होंने मुझे संसार में भेजा है पार्ट प्ले करने के लिए। मैं इस देह में एक्टर हूं। मुझे सुंदर पार्ट प्ले करना है। अपने श्रेष्ठ कर्मों से सबको प्रेरणा देनी है। मैं प्यार के सागर की संतान हूं। मुझे सबको प्यार बांटना है। सुंदर विचार कर दें अपने मन में। मुझे सबको प्यार देते हुए जीवन की यात्रा तय करनी है। मैं सुखों के दाता भगवान की संतान हूं। मुझे भी सबको सुख देना है। मुझे सबके दुख हरने हैं। मैं पवित्रता के सागर की संतान पवित्र आत्मा हूं। मुझे मनोविकारों से मुक्त रहना है। इस संसार में सभी मेरे गुड फ्रेंड हैं। हजारों वर्षों में जिन्होंने भी मुझे कोऑपरेट किया, हेल्प की, मैं उन सभी को सच्चे मन से शुक्रिया देता हूँ। कोटि कोटि बार धन्यवाद आप सभी को।
जिन्होंने मुझे हजारों वर्षों में हेल्प की है। और भूल से मैंने यदि किसी को कष्ट पहुंचाया है पिछले हजारों साल में, मैं सच्चे मन से उन सभी से क्षमा चाहता हूं। आप सभी सुखी हो जाएं। मैं भगवान की संतान हूं, उसका आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर है। मैं उसकी ब्लेसिंग्स के नीचे हूं। मैं बहुत सुखी हूं, सक्सेसफुल हूं, एनर्जेटिक हूं। ओम शांति।